हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप देख रहे हैं रूप टॉक। टुडेज वीडियो इज़ अबाउट बेबीज डेली माइलस्टोन एज माय बेबी इज़ हेडिंग टुवर्ड्स हर 7 to 8 months कंप्लीशन। यहाँ पे मैं जनरल जो भी माइलस्टोन्स है 7 to 8 months बेबीज़ के, वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट। अगर आपके बेबीज़ ये एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, वो जल्दी स्टार्ट कर देंगे करना। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द स्लीप साइकिल। तो इस टाइम तक बच्चों की नींद जो है वो प्रॉपर होने लगती है। तो शाइनू जो है वो अराउंड 11 टू 12 आवर्स की नींद अपनी कंप्लीट करती है एक दिन में। नेक्स्ट माइलस्टोन इज़ कि वो अपने टॉयज़ के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और उनको टॉयज़ के साथ खेलना ज़्यादा पसंद आता है। और इसके साथ ही वो टॉयज़ को अपने हैंड्स की हेल्प से अच्छे से पिक करना, ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं इस टाइम तक। एंड 7 to 8 months के बेबीज़ को हम सॉलिड देना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट सॉलिड फूड्स उनके लिए ट्राई करती हूँ। सॉलिड जैसे दाल, सूजी, चावल, ये हम बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं देना इस स्टेज से। तो बेबीज़ के फूड से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट माइलस्टोन है टीदिंग। तो 7 to 8 months में मोस्टली बेबीज़ के टीद आ जाते हैं, बट 15 months तक का टारगेट रहता है। 15 months तक भी अगर टीथ्स नहीं आए तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे शाइनू के टीथ्स विजिबल हो गए हैं लोअर वाले, और उसके लिए मैंने पहले से ही इसको टीदर, ऐसे काइंड ऑफ टीदर ला के रखा है उसके लिए, क्योंकि टीदिंग के टाइम बेबीज़ को इरिटेशन होती रहती है और जहाँ पे टीदिंग एरिया है वहाँ पे उनको पेन, इचिंग ये सब होता है। तो उसको सूद करने के लिए आप एक टीदर ला के रख सकते हैं, और ये टीदर जो है वो हेल्प करते हैं बेबीज़ के टीदिंग पेन रिलीफ में और उनके टीदिंग एरिया को सूद करते हैं। तो फिर आप, ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप लेना चाहो तो। लेकिन ध्यान में रखें कि ये जो सारी चीज़ें होती है बेबीज़ की, टीदर बॉटल्स एंड एवरीथिंग, कि आप उनको स्टरलाइज़ करो अच्छे से, क्योंकि इनमें जर्म्स लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दिन भर बेबीज़ इनको मुंह में लेते हैं और इधर से उधर इनको फेंकते भी हैं, तो उस वजह से इनमें जर्म्स ज़्यादा लगते हैं। नेक्स्ट माइलस्टोन इज़ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉकर। जो बेबीज़ होते हैं उनको ऐसे टाइप के वॉकर्स में अगर डाल दो तो वो दिन भर ऐसे खेलते भी रहते हैं, उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और इस ये स्टार्टिंग फेज़ होती है जब बच्चा सीखता है थोड़ा थोड़ा चलना, तो वॉकर इज़ अ गुड ऑप्शन कि आप उनको जो वॉकिंग प्रैक्टिस है इनकी हेल्प से आप अच्छे से करवा सकते हैं। नेक्स्ट माइलस्टोन इज़ अटेंशन। अगर आप उनके साथ खेल रहे होते हैं तो ट्राई टू हाइड देयर थिंग्स, और उनका ध्यान जाता है क्या वो चेक करना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका बेबी जो है वो अटेंटिव है एंड अभी उसको समझ आता है कि उसकी कोई भी चीज़ अगर उससे कोई लेता है तो वो उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है और वो वापस लेने का ट्राई करता है। तो ये जो स्मॉल थिंग्स है वो एक्चुअली में माइलस्टोन्स है आपकी बेबीज़ की ग्रोथ होते होते, ये सारी चीज़ें उनमें आ जानी चाहिए। एंड इस एज में दे वांट एवरीथिंग टू ग्रैब, बिकॉज उनको हर चीज़ से खेलना होता है एंड दैट्स अ गुड साइन ऑफ देयर हेल्दी डेवलपमेंट। एंड उसके अलावा सॉलिड्स में हम सेरेलेक इंक्लूड कर सकते हैं। दिन में 2 बार हमें सेरेलेक उनको ज़रूर देना चाहिए, और 7 to 8 months में सेरेलेक चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने उसका वीट एप्पल एंड चेरी सेरेलेक बनाना शुरू किया है। उसके अलावा आप मिड ऑफ द डे उसको दाल का पानी ऐसे बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट माइलस्टोन इज़ कि बेबी स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग देयर लव्ड वंस। तो वो हमेशा उनके पास जाने का ट्राई करेंगे जिनको वो जानते हैं, जिनके साथ रहना वो चाहते हैं। एंड एज़ यू ऑल नो, बेबीज़ लव्स बेबीज़ अराउंड। तो उनके पास अगर उनका कोई छोटा भाई या बहन है तो वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे। इवन इनफैक्ट बड़ों से ज़्यादा वो उनके साथ, उनकी एनर्जी ज़्यादा मैच होती है, तो वो उनको देख के खुश रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं। दैट्स अ गुड साइन कि उनका टाइम पास होता है, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। और अगर लकीली आपके पास कोई बड़ा भाई या बहन है तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा सीखेंगे एक्टिविटीज़ करना। तो यहाँ पर स्माइलू जो है वो शाइनू के साथ दिन भर ऐसे खेलती है, उसे कुछ ना कुछ नया सीखती है और उसके अराउंड रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। एंड द लास्ट माइलस्टोन इज़ कि वो दोनों साइड फ्लिप करना सीख जाते हैं, बॉडीज़ को क्रॉल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। एंड क्रॉलिंग जो होती है वो बेबीज़ में अलग अलग होती है, कुछ बच्चे पेट के बल, कुछ बच्चे हाथों से, कुछ बच्चे घुटनों से ऐसे चलते हैं, तो वो डिफर कर सकता है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज। टिल देन बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।